हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है, आज हम रीडिंग करेंगे। कल मैं आपको मैनिफेस्टेशन की वीडियो इसी टाइम में अपलोड करूंगी, ठीक है? और मैनिफेस्टेशन की टेक्निक होगी या ऐसी टेक्निक होगी जिससे आपका आपके पार्टनर के साथ रीयूनियन हो, ठीक है? चलिए बात करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग की। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो किससे और क्या बातें कर रहे थे आज की शाम, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या बातें कर रहे थे आज। और ध्यान रखिए कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए प्लीज मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे? तो आया है पेज ऑफ वैंड्स एंड है मेरे पास नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, फोर ऑफ कप्स, क्या बात है? प्यार 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 की बातें हो रही थी आज आपके बारे में आज की शाम। एट ऑफ वैंड्स, ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स, द सन। फाइनली बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड आया है। बॉटम ऑफ द डक देख लेते हैं, टू ऑफ कप्स, बहुत बेहतरीन सा कार्ड, बहुत 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 सुंदर सा कार्ड आया है आप लोगों के लिए। तो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से चलो ये कार्ड भी मैं ले लेती हूँ, क्योंकि ये कार्ड खुद कह रहा है कि मुझे लो। तो यहाँ की एनर्जी क्या बता रही है कि आपके जो पार्टनर है किसी अपने बेस्ट फ्रेंड से आज की शाम बातें कर रहे थे आपके बारे में। कोई बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है इनका, उसी से जो है ये पर्सन बातें कर रहे हैं। मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन हो सकता है कि इनका जो है ना बहुत दूर का रिश्ता, मतलब कि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे रहता होगा वो पार्टनर। पार्टनर क्या मतलब कि दोस्त है ना, उससे ये पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं। ये बातें कर रहे हैं कि यार मैं जो है ना, जो करना चाहिए उसके लिए, जो कुछ चीज़ें करनी चाहिए उसके लिए, वो मैं कर नहीं पा रहा, ठीक है? वो चीजें मैं कर नहीं पा रहा, कहीं ना कहीं जो है ना मुझे गिल्ट फील हो रहा है, कहीं ना कहीं मुझे गिल्ट फील हो रहा है, मुझे अफसोस हो रहा है कि यार जो मुझे करना चाहिए या मुझे जो देना चाहिए इस रिलेशनशिप में, ठीक है, वो मैं दे नहीं पा रहा हूँ। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैं उसे वो खुशी नहीं दे पा रहा हूँ जो वो डिजर्व करता है या करती है, और वो खुशियाँ मुझे देनी चाहिए। आप दोनों के बीच में बातें भी नहीं हो रही है, तो आपके पार्टनर ये भी बताते हुए दिख रहे हैं कि मैं उसको जो है ना, उससे बातें करने की कोशिश करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि उसको सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, कहीं भी जो है ना, अगर मैं अनब्लॉक हूँ तो उसको मैं मैसेज करूँ या खुद ही अनब्लॉक करके उसको मैसेज करूँ। बातें करने का बड़ा मन हो रहा है। मैं अपनी जिंदगी में दिख रहे हो, मुझे यहाँ पे खुशी महसूस ही नहीं हो रही है। पता नहीं यार क्या हो गया है मुझे, कभी खुशी नहीं रहता, क्या हो गया है मुझे, मुझे खुद पता नहीं चलता कि यार मेरा माइंड है ऐसा, मैं ऐसा हो चुका हूँ या फिर सिचुएशन ऐसी हो चुकी है मेरी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बता कि मेरी गलती क्या है। मेरी जिंदगी में बहुत परेशानियां चल रही हैं, बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, सच्ची बता रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं उससे बात करने के लिए अंदर से जो एक होता है ना कि बेचैनी सी हो रही है मुझे, अंदर एकदम से फील ऐसा हो रहा है कि हाँ मुझे अंदर से एक होता है ना कि हर वक्त माइंड में बस वही रह रहा है या रह रही है, हर वक्त, जब भी मैं सोचूं, जब भी मैं करूं, जब भी मैं कुछ करना चाह रहा हूं, है ना, तो बस वही मेरे माइंड में रह रहा है या रह रही है। उसके अलावा कुछ और मुझे सूझ ही नहीं रहा कि मैं बातें करूं। मुझे कोई आइडिया नहीं लग रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए।
अभी फिलहाल जो है मैं तुमसे अपने दिल की बातें बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। कभी-कभी लग रहा है कि मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए। इस रिश्ते से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने उसके प्रपोजल को ठुकराया है, मैंने उसे ठुकराया है। बहुत अकेलापन फील हो रहा है मुझे, बहुत ज्यादा अकेलापन। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं। मैं प्यार भी उससे बहुत करता हूँ, उसे भी पता है और मुझे भी पता है। मैं प्यार भी बहुत करता हूँ उससे, और मेरी जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है ना, वो रियल है। कोई फेक इमोशंस, मेरी कोई फेक फीलिंग्स नहीं है उसके लिए, उसको पता है। बहुत प्यार करता हूँ उससे, ठीक है। ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, और उससे जो है ना मैं सोच रहा हूँ कॉल करने का। तो क्या मुझे कॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये मुझे बता दे। क्योंकि वो जब कॉल करता था या करती थी, तो मैं कोने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया है, और इसी चीज का मुझे अफसोस है यहाँ पे कि मैंने उसको जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। और अब जो है मैं क्या रिस्पॉन्स दूँ, ठीक है। मैं क्या, अगर मैं कॉल करता हूँ, मैसेज करता हूँ, तो उधर से मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू बता मुझे क्या करना चाहिए। उसे चाहिए प्रपोजल, तो क्या मैं प्रपोजल दे दूँ, कमिटमेंट दे दूँ उसको, ताकि वो मुझसे बातें करे। मुझे क्या करना का चाहिए एग्जैक्ट, तू बता ना मुझे, बता कि क्या चाहिए, क्या करूं मैं, मुझे क्या करना चाहिए, तू मुझे बता। ये पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं कि हाँ, इनको जो है ना अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस जिस तरीके से ये जो है देख रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, है ना, तो वो फीलिंग्स, वो इमोशंस जो है ना इस पर्सन के दिल में हैं, बस है। तो ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि इनको जो है ना आपके साथ फ्यूचर देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर प्लानिंग भी चल रही है यहाँ पे। आपके जो पार्टनर हैं, इनके दिल में फ्यूचर प्लानिंग भी चल रही है। साथ ही साथ दिख रहा है कि हाँ, ये पर्सन को आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पे भी जाना है ना। तो ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी बातें हो जाएं, कुछ बातें हो जाएं, और फिर हम दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, क्या लाइफ में करना चाहिए, क्या बेटर हो सकता है हम दोनों के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ आपके कार्ड्स में कि आपके पार्टनर अंदर से बहुत ज्यादा इनके अंदर बेचैनी हो रही है बातें करने की, ठीक। तो आने वाले समय में, यानी कि आने वाले 2 से 3 घंटे में भी जो है ना ये पर्सन का कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है। चूंकि ये जनरल रीडिंग है, तो आप लोग जो है वैसे ही लीजिएगा। ओके, सो चलिए करते हैं रीडिंग को खत्म, मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। बाय बाय।